हेलो गाइस गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए कोई आर्टिकल लिखते हो, उसके लिए कीवर्ड रिसर्च बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो न्यू ब्लॉगर्स हैं, उनको कीवर्ड रिसर्च इतनी अच्छे से नहीं आती है, जिस वजह से वो अपने आर्टिकल को ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक करते हैं, लेकिन उनका जो कीवर्ड होता है वो अच्छा नहीं होता है। और इसी कीवर्ड रिसर्च के चक्कर में वो क्या करते हैं कि ना तो कंपटीशन देखते हैं, और ना ही किस तरह कीवर्ड पे रैंक करना है और किससे मेरा कंपटीशन है, ये सब भी नहीं देखते हैं, और बस आर्टिकल लिख देते हैं। बाद में होता क्या है कि जब आप आर्टिकल पब्लिश कर देते हो, कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन आपका जो आर्टिकल होता है वो कभी उस कीवर्ड पे रैंक नहीं करता है जिस कीवर्ड पे आप उसे रैंक कराना चाहते हो। 90% केस में यही चीज होती है। कुछ कीवर्ड ऐसे होंगे लो कंपटीशन जिसपे आपका आर्टिकल रैंक हो जाएगा, जिससे आपकी वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ट्रैफिक आएगा। लेकिन अगर आप ये चीज इम्प्रूव कर लो तो आप अपनी वेबसाइट पे मैक्सिमम ऑर्गेनिक ट्रैफिक और बेस्ट ट्रैफिक लाओगे, जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम आपको एक कीवर्ड लेके पूरा एक प्रोसेस बताएंगे कि कौन सी ट्रिक है जिसे मैं अप्लाई करता हूँ एक अच्छे कीवर्ड रिसर्च के लिए, और किस तरह उस आर्टिकल पे इम्प्लीमेंट करूंगा, क्या क्या चीजें मैं ध्यान रखता हूँ कीवर्ड रिसर्च करते टाइम। और ये सभी चीजें ध्यान रखने के बाद जो मेरा आर्टिकल है उसका जो मेन कीवर्ड है वो रैंक कैसे होता है, ये भी मैं बताऊंगा। तो पूरा वीडियो देखना। ये समझ लो कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो कीवर्ड रिसर्च 2021 में आप मतलब बिल्कुल इजीली कर लोगे। और 2021 में आप ब्लॉगिंग में बिल्कुल ये समझ लो अच्छी खासी आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप कीवर्ड रिसर्च सही से करना सीख लेते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं कि मैक्सिमम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो लंबी भी हो जाती है, लेकिन एक अच्छी चीज को समझाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो फिर ब्लॉगिंग करना ही बेकार है, क्योंकि ब्लॉगिंग टाइम का ही खेल है। अगर आप टाइम दोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी और रिटर्न्स में आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। इसलिए चैनल को पहले सब्सक्राइब करो और जो चीज मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से देखो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कीवर्ड की। तो एक मेरा कीवर्ड है टैली 7.2 फ्री डाउनलोड, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। इसे कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसे गूगल पे सर्च करता हूँ। गूगल पे सर्च करने के बाद मैं पहले ये देखता हूँ कि कौन कौन सी वेबसाइट इस कीवर्ड के लिए, मतलब जो ये पूरा कीवर्ड है इस कीवर्ड के लिए कौन कौन सी वेबसाइट रैंक है, कितने डीएपीए की वेबसाइट रैंक है, और जब मैं इस आर्टिकल को लिखूंगा तो किन किन डीएपीए की वेबसाइट से और कितनी बैकलिंक मुझे बनानी पड़ेंगी इस वेबसाइट पे, मतलब इस कीवर्ड पे मुझे रैंक करने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक टूल आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, मॉज का टूल बार है, ठीक है, जो ये डीएपीए दिखा देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस कीवर्ड पे जो नंबर 1 पे वेबसाइट रैंक है उसका DA17 है, ठीक है। 23 नंबर की दूसरी वेबसाइट है, 86, ये कोई सब डोमेन वेबसाइट है, ये सब फ्री वेबसाइट्स हैं, ठीक है। ये एक वेबसाइट है जिसका DA11 है। तो ये देख सकते हो, यहाँ पर आप खुद ही देखो कई सारी वेबसाइट यहाँ पर रैंक है, कोरा भी रैंक कर रहा है वगैरह वगैरह, ये सारी वेबसाइट यहाँ पर रैंक है। तो इससे आप ये आइडिया लगा लो कि अगर आप एक नई वेबसाइट क्रिएट करते हो तो आप इस कीवर्ड पे जल्दी रैंक करा लोगे। कैसे? क्योंकि आपका कंपटीशन कम डीएपीए की वेबसाइट से है और उन कीवर्ड पे आप टारगेट कर रहे हो जिन पे ये फ्री वेबसाइट, जैसे webly.com ये फ्री वेबसाइट है, webly.com ये फ्री वेबसाइट है, ठीक है। जैसे आप विक्स पे, वर्डप्रेस पे, ब्लॉग स्पॉट पे बनाते हो, वैसे ये वेबली, ये सब एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ब्लॉग बना सकते हो। नीचे आओगे तो देखो यहां पर कोरा रैंक कर रहा है, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप ये समझ लो कि आप अगर इस कीवर्ड को चूज करते हो तो आप कम एफर्ट में जल्दी रैंकिंग पा जाओगे। तो ये पहला प्रोसेस है अपने कॉम्पिटिटर को और अपनी रैंकिंग को परफेक्ट बनाने की। आपने देख लिया कि कौन कौन से कॉम्पिटिटर रैंक हैं, आपने देख लिया कि हमको कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा इस कीवर्ड पे रैंकिंग के लिए। दूसरी चीज है कि हमें अपने कीवर्ड की कंपटीशन वगैरह वगैरह सभी चीजें चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। कंपटीशन तो ऐसे ज्यादा नहीं होगा क्योंकि इतनी कम डीएपीए की वेबसाइट रैंक है। तो आप देख सकते हो इस वेबसाइट पे टोटल 600 का सर्च है,
और कंपटीशन बिल्कुल लो है। सीपीसी भी आपको 0.05 की मिल रही है जो कि एक तरीके से बहुत ही बेस्ट है। और ये दूसरी ट्रिक है, मतलब इसमें आप ये समझ लो कि आप उन कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो जिन कीवर्ड पे वॉल्यूम तो सही है लेकिन यूजर इंटेंट भी अच्छा है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप उन्हीं कीवर्ड को टारगेट करो जो क्लिक देते हो। ऐसे कीवर्ड पे काम करने का कोई फायदा नहीं जहां पर 20-30 हजार सर्च होते हो लेकिन यूजर इंटेंट नहीं है। ठीक है, यूजर इंटेंट मतलब हुआ कि ऐसा कीवर्ड जिसपे लोग क्लिक करें। अब आप किसी कंपनी किसी ब्रांड कीवर्ड पे काम करते हो, वहां पर साइट आप रैंक भी करा लोगे ना, तो आपका आर्टिकल या फिर आपकी वेबसाइट पे कोई क्लिक नहीं करेगा क्योंकि उनको ब्रांड की नीड होती है। और अगर आप ऐसे कीवर्ड पे काम करो जैसे टेली 7.2 फ्री डाउनलोड, मतलब बंदा 7.2 वर्जन का जो सॉफ्टवेयर है टेली का उसे फाइन कर रहा है, तो वो क्या करेगा आपके ब्लॉग को चेक जरूर करेगा क्यों, क्योंकि उसे मालूम है कि इन वेबसाइट्स में हमें वो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, ठीक है, जिसे वो फ्री में डाउनलोड कर सकता है। तो ये दूसरी चीज है जिससे आप कीवर्ड इंटेंट पता लगा सकते हो कि अगर मैं रैंक कर जाता हूँ इस पे तो मुझे ज्यादा से ज्यादा क्लिक मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा क्लिक के साथ आप एक और चीज देखो कि इनकी जो सीपीसी है ये भी बहुत बेस्ट है। आप पे क्लिक के साथ साथ जब आपके वेबसाइट पे कोई विजिट करेगा, आपके एड पे कोई क्लिक करेगा, तो आपको इससे अच्छी अर्निंग भी होगी। आप 0 सीपीसी वाले कीवर्ड को लेकर कुछ नहीं कर सकते हो लेकिन अगर आपको 600 में समझ लो 10% लोग भी क्लिक करेंगे तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। ओके, ये दूसरी चीज है। तो पहली चीज है कंपटीशन चेक करना, दूसरी चीज है कीवर्ड इंटेंट चेक करना कि वो कीवर्ड पे लोग क्लिक कर रहे हैं कि नहीं, उस कीवर्ड पे इन अ फ्यूचर जब मेरी साइट रैंक होगी तो लोग मेरी साइट पे विजिट करेंगे कि नहीं। तो ये दो चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज है कंटेंट। आप क्या करो, सारी वेबसाइट पे जाओ, चेक करो कि उन्होंने कंटेंट कैसा लिखा है। आप क्या करो, उनसे बेस्ट कीवर्ड दो, ओ सॉरी मतलब उनसे बेस्ट कंटेंट आप प्रोवाइड करो। मैं अपनी कंटेंट वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, यहां पर आप जाओगे, ठीक है, बेस्ट ऑन पेज एसईओ, यहां पर जाना है, मैंने कंटेंट के बारे में बताया था, मेरी जो प्रीवियस वीडियो उसे देखना, मैं आई बटन पे भी दे दूंगा, वहां पर देख रहा है कि मैंने कंटेंट के बारे में बताया है कि कैसे आप बेस्ट कंटेंट लिखोगे। अगर आप बेस्ट कंटेंट लिखते हो, इतने अच्छे कीवर्ड मतलब जो ये अच्छा कीवर्ड है इस पे टारगेट करते हो जिसका इंटेंट भी अच्छा है, सीपीसी पीसी सब कुछ अच्छी है और इस पे आप इजिली रैंक कर जाओगे इन दोनों एफर्ट के बाद। ओके, इसके बाद अगर मान लो आपको नया ब्लॉग है आपका और आप रैंक नहीं कर पा रहे हो, तो जरूरत है आपको कुछ बैकलिंक की, या फिर आपको ये चेक करना है कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है, मान लो कुछ ऐसी वेबसाइट भी होती हैं जहां पर कुछ लोग अपनी वेबसाइट पे बैकलिंक बनाकर ऊपर आते हैं, जैसे यहां पर आप देख सकते हो कुछ वेबसाइट्स हैं जिन्होंने बैकलिंक बना के टॉप पे रैंक है, तो आप अगर कोशिश करके इन सभी वेबसाइट्स को बीट करते हो, मीन्स आप क्या करो इन सभी लोगों को बीट करना चाहते हो, तो आप अपनी वेबसाइट पे बैकलिंक बनाओ। ठीक है, पहले आप कीवर्ड को देखो, कंपटीशन चेक करो, दूसरा आप क्या करो कीवर्ड की इंटेंट चेक करो, तीसरी चीज एक अच्छा कंटेंट लिखो, चौथी चीज है इसके बाद अगर आपका कीवर्ड रैंक ना हो, मतलब 1 वीक 2 वीक के बाद भी अगर आपका कीवर्ड या फिर आपकी जो वेबसाइट है वो सेकेंड पेज या फर्स्ट पेज पे ना आए, तो ये समझ लेना कि फिर आपको कुछ बैकलिंक बनानी है। और वो बैकलिंक आपको बनानी कैसे है, सबसे पहले आप चेक करो अपने कॉम्पिटेटर की बैकलिंक कि हमारे कॉम्पिटेटर ने कितनी बैकलिंक बनाई है। तो मैंने जैसा बोला था कि ये इतनी अच्छी यहाँ पर लो अथॉरिटी वाली वेबसाइट रैंक है तो ज्यादा एसईओ में एफर्ट नहीं देना पड़ेगा, और वही चीज यहाँ पर है, आपको बिल्कुल मैक्सिमम एफर्ट यहाँ पर, मतलब ये समझ लो बिल्कुल मिनिमम एफर्ट है, सारी फ्री साइट रैंक है, ऐसे ही यहाँ पर आपका आर्टिकल रैंक कर जाएगा। लेकिन तब भी अगर रैंक नहीं करता है और अगर आपको अपनी रैंकिंग को बूस्ट देना है जल्दी से जल्दी, तो आपको बस कुछ बैकलिंक बनानी होगी क्योंकि किसी की भी बैकलिंक यहाँ पर ज्यादा नहीं है। और जितनी भी अगर मैं बैकलिंक चेक करवा दूं, अगर मैं ये 8 वाली बैकलिंक चेक करवाऊं जो नंबर 2 पे है, तो इनमें से सारी नो फॉलो होंगी, गिनी चुनी 1-2 बैकलिंक डू फॉलो होंगी, आप खुद देख लेना। ओके, तो आप लोग बस एक अच्छे डीएपी वेबसाइट से गेस्ट पोस्ट के थ्रू बैकलिंक ले लो, ठीक है, अपने मेन टारगेटेड कीवर्ड को एंकर टेक्स्ट बना के, तो आप इजीली यहां रैंक कर जाओगे। तो ये सबसे बेस्ट प्रोसेस होगा कीवर्ड रिसर्च का, ये प्रोसेस अप्लाई करोगे तो आप जल्दी रैंक करोगे। ठीक है, ये देखो कंटेंट बेस्ड बैकलिंक है, मैंने बोला था ना ज्यादा बैकलिंक नहीं, ये सारी देखो एक ही डोमेन से सारी बैकलिंक है, मतलब केवल इस बंदे ने एक बैकलिंक बनाई है। ठीक है, ये बैकलिंक खुद अपने आप आउटो जनरेट से बैकलिंक बन जाती है सारी, देखो सेम डीए से, मतलब केवल एक बैकलिंक उन्होंने बताई मतलब बनाई है, वो भी एक फॉरम साइट है, ठीक है, जिसकी ज्यादा वेबसाइट की डीए नहीं है। ठीक है, तो आप भी वहां से अगर बैकलिंक बना पाओगे तो बना लोगे,
और आप भी अपने कंटेंट को इजीली रैंक करा सकते हो। कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना, बस केवल और केवल कंटेंट कीवर्ड रिसर्च पे ध्यान दो। जो चीजें मैंने पहले और दूसरे में बताई हैं उन दोनों पे ज्यादा फोकस करो, आप अच्छे से अच्छे कीवर्ड पे रैंक कर जाओगे, वो भी कुछ ही मंथ के अंदर। ओके, तो ये पूरा टिप आप याद रखना, 2021 में बहुत ज्यादा काम आएगी। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो 2021 में समझ लो आप ही हो कीवर्ड के, मतलब कीवर्ड पे रैंकिंग करने के बादशाह आप ही हो। ओके, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।